सो व्हाट्स अप माय लवली पीपल, मिस्टर मैं बैक अगेन विद अ न्यू फ्रेश वीडियो। और गाइस जैसे कि मैं अभी गाइस ये रहने वाला है ट्रैवल व्लॉग, यहाँ से जमशेदपुर टू पंजाब, ये जमशेदपुर टू पंजाब का पूरा ट्रैवल व्लॉग रहने वाला है। गाइस मेरी ट्रेन थी 4th को, बट आज है 5th है आज गाइस, 4th को ट्रेन थी बट पता नहीं यार किस लिए उन्होंने कैंसिल कर दी मेरी। मतलब पूरी हमारा मेरे पूरी फैमिली जा रही है, मैं, मेरे पापा, मेरी बहन और मम्मी जा रही है, तो 4 जन की पूरी मतलब टिकट्स बुक थी, सब कुछ टीच कंफर्म थी, सीट कंफर्म थी, बर्थ उथ सब थर्ड AC अटायर में कंफर्म था, बट पता नहीं किस रीज़न से रेलवे वालों ने ये कैंसिल कर दी। बट अब क्या बोलूँ गाइस, सब कुछ तैयारी वगैरह की थी फिर भी मतलब इन्होंने कैंसिल कर दी ट्रेन। सो मतलब बहुत मतलब अचानक से ये पता चला, तो गाइस फिर हमने अगले दिन की ट्राई की ट्रेन बुक करने की, लेकिन गाइस उस समय कंफर्म नहीं हो रही थी, उस समय RAC पे हमें थी और वो भी स्लीपर में मिली गाइस, थर्ड अटायर में तो वेटिंग में चल गई थी, तो वेटिंग में तो लेना ही नहीं था, पापा ने बोल दिया कि वेटिंग में तो लेना ही क्योंकि वेटिंग में ज़्यादा रहता है प्रॉब्लम। सो गाइस हमने फिर ले ली स्लीपर की RAC। तो कल रात को मैसेज आया 8:00 कि मैं हमारी टिकट्स कंफर्म हो गई है RAC से, कंफर्म हो गई, अब गाइस थर्ड अटायर में जाने वाले थे बट अब जाएंगे स्लीपर में, बट चलो क्या कर सकते गाइस, अब पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि भाई अब पहुंचना था, मैं 6th को वहां पहुंचना था, 7th को वहां पे मेरा फंक्शन था, बट अब क्या कर सकते गाइस, 7th को पहुंचेंगे तो 8th को जो शादी है मेरी बुआ की वही देख पाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी देखो बैग सब तैयार है, ये मेरा बैग, इसमें बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ डाला हुआ है, मेरा लैपटॉप, मेरी एसेसरीज, व्लॉगिंग सेटअप, सब कुछ, एवरीथिंग, पावर बैंक सब कुछ डाला है, बॉक्स ऑफ कंटेंट क्या देखा हुआ। बाकी देखो लगेज पीछे, ट्रॉली और एक वो बैग। तो चलो गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वहाँ पे ऑटो पकड़ के स्टेशन में, ये पूरा व्लॉग रहने वाला है गाइस, पूरा व्लॉग ट्रेन पे बनेगा जमशेदपुर टू पंजाब। तो चलो गाइस चलते हैं सीधा ऑटो पे। सो चलो गाइस चलते हैं, वी आर रेडी टू गो, मैंने बैग ले लिया, ट्रॉली एक पकड़नी है, सो बाकी बैग पापा पकड़ लेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी से चलते हैं, ऑटो वाले अंकल आ गए हैं जो कि ज़्यादातर नेबरहुड में ही रहते हैं, सो इसलिए हमने ऑटो ही बुक करवा लिया। तो अब सीधा चलते हैं, ऑटो लेते हैं और सीधा स्टेशन चलते हैं। सो गाइस देखो अभी लेके जाना पड़ रहा है अपने वहाँ से, लेकिन पीछे दिखाता हूँ, पीछे देखो पूरी मतलब ब्लॉक हुई पड़ी है यहाँ रोड, पीछे देखो गड्ढा सा, कुछ पाइप वर्क चल रहा है, इसीलिए पूरा पाइप वर्क चल रहा है, कुछ पता नहीं कुछ हुआ कि, इसलिए अब देखो इसे कैसे करके यहाँ से निकाल के लेके जाने पड़ेगी, उठा के लेने जाके लेके जाने पड़ेगी, बहुत भारी है ये, फटाफट से लेके चलते हैं इसे उठा के, बहुत भारी है। सो व्लॉग बाद में कंटिन्यू करता, पहले इसे छोड़ के आता हूँ। मेरे पीछे सीन देख लो, ये सीन देख लो कैसे मैं उठा के वहाँ से लाया, इस तरफ की रोड भी पूरी ब्लॉक है, बट यहाँ से ठीक है रोड, सो यहाँ से लेके चलते हैं। फिर यहाँ की देखो, यहाँ रोड ठीक है, नॉर्मल है, सो ये ट्रॉली लेके आराम से ले जाते, तो फटाफट ऑटो में लगाते, ट्रॉली को रखते हैं और सीधा आपको स्टेशन पे जाके मिलते हैं, भाई बहुत सामान है तो सीधा स्टेशन पे जाके मिलते हैं। तो रखवा दिया, अब चलो सीधा सीधा चलते हैं, आपको जाके सीधा स्टेशन पे मिलते हैं, बिकॉज गाइस बहुत सारा सामान है, तो पहले रखवा देता हूँ, सीधा जाके स्टेशन पे मिलते हूँ आपके से। तो गाइस रेलवे स्टेशन पे तो पहुँच गए हैं, पीछे वहाँ तय है, आपको पीछे का दिखा देता हूँ। अब देखो ट्रेन कहाँ लगी रहती है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म ही है, S10 करके बोगी है, तो देखते हैं कौन सा कंपार्टमेंट पे मिलती है। ये प्लेटफॉर्म पे लगेगी गाइस हमारी ट्रेन, आ गई है हमारी ट्रेन, वहाँ पे लग रही है बस मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे लग रही है। तो फटाफट से पहले लगेज को ऊपर चढ़ाता हूँ, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ, अंदर में बात करता हूँ आपसे, सामान बहुत ज़्यादा है इसलिए फटाफट पहले लगेज को अंदर घुसाते हैं। तो ये रही गाइस ट्रेन आ रही है, चलो फटाफट लगेज को रखवाते हैं। ये रही हमारी कंपार्टमेंट, यहीं पे है S10 है हमारा कंपार्टमेंट, ये रहे मेरे पापा, इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको चैनल पे, मेरे पापा को फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे देखा हूँ, उनका ध्यान नहीं है। सो ये देखो यही वाली कंपार्टमेंट है अपनी, ये वाली कंपार्टमेंट है S10 करके। तो फटाफट लगेज करते हैं, क्या करूँगा इस AC में जाना था बट स्लीपर मिली, कोई नहीं देखते हैं ट्रैवल करते हैं। फाइनली सारे सामान ऊपर रखवा दिया, ये रही हमारी ट्रेन, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर, ये ट्रेन। तो ये वाली है हमारी सीट गाइस, तो गाइस ये रही हमारी सीट, ये वाली। अब हमने तो गाइस करवाई थी AC की, बट AC की अब तो बनी नहीं, अब क्या कर सकते हैं। सो इसी में कंटिन्यू करते, ये रही मम्मा, मम्मा को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया चैनल में। सो ये वाली सीट, ये 3 सीट और ये वाली विंडो सीट हमारी है।
तो चलो गाइस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आस्ते आस्ते करके, जब ट्रेन खुलेगी तो दिखाऊंगा आगे बाहर के और कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। चलिए गाइस ट्रेन अब चलने लगी है, देखो बैग का दिखा रहा हूँ, चल रही है। तो बाय बाय जमशेदपुर, मिलते हैं आपको 15 दिनों, हाँ 15 दिनों बाद मिलते हैं आपको फिर से। चलो अब ये व्लॉग तो पूरी ट्रेन पर भी गाइस 3 दिन मतलब वन डे 18 आवर्स पूरा ट्रेन पर चलना पड़ेगा, उसके बाद कुछ होगा। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste. So guys, इतना around बहुत देर चलने का, बहुत देर चलने का ट्रेन रुकी है यहाँ मूरी स्टेशन पे। मैं तो गाइस सो गया था, मैं वहाँ पे मतलब क्या बताऊँ गाइस, मैं जैसे ट्रेन चढ़ा मुझे नींद आने लगी तो मैं तो सो गया था, बट अभी जस्ट यहाँ पे रुकी। अब शायद यहाँ माना जाता है कि ये वाली ट्रेन के साथ एक और संबलपुर से ट्रेन आती है, तो ये ट्रेन दोनों जुड़ जाती है, उसके बाद ये फिर से रनिंग स्टेटस पे जाती है। तो यहाँ हाफ एन आवर रुकने वाली है, कितना टाइम हो रहा है गाइस? तो गाइस अभी तो 5:15 हो रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं और यहाँ ट्रेन रुकी हुई है, जस्ट देख लो अभी अराउंड हाफ एन आवर रुकेगी, क्योंकि यहाँ शायद इंजन भी चेंज होगा और साथ में एक ट्रेन आएगी संबलपुर से, वो इस ट्रेन से जुड़ जाएगी। तो चलो गाइस अभी का तो यही स्टेटस है, आते साथ तो सो गया था, अभी जस्ट नींद खुली है। तो देखो कुछ खाते पीते हैं फिर ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। गाइस ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा क्योंकि कल भी जर्नी है, परसों भी जर्नी है, और परसों अराउंड 7th को हम अराउंड शाम तक या दोपहर तक पंजाब पहुंच जाएंगे। चलो गाइस लेटर ऑन दिखाता हूँ बात के सीन। गाइस अराउंड 9 बज गए हैं रात के, सो उस समय तो 7 बजे थे, तो मतलब 5-5 बजे तो मुरी, तो फिर बीच में व्लॉग बनाने का मन नहीं, क्या क्या दिखाता। सो अभी 9 बज रहे हैं, सो अभी डिनर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी मतलब लगवा रही है, मतलब दे रही है अभी खाना, सो डिनर करते हैं फटाफट। उसके बाद गाइस क्या करूँ, थोड़े बहुत मोबाइल चलाऊंगा, वीडियोस देखूंगा, नेटवर्क भी नहीं दिख आ रहा गाइस, कम से कम नेटवर्क आए तो कम से कम कुछ चलाओ, नेटवर्क भी नहीं आ रहा। सो थोड़ा बहुत सेव्ड वीडियोस या मूवी एक दो देख के सो जाऊंगा, फिर आपको कल की जर्नी में कल सुबह की जर्नी में कंटिन्यू करूंगा, स्टार्ट करूंगा कल सुबह से, और दिखाऊंगा कौन कौन से स्टेशन आएंगे एंड क्या क्या होगा। सो अभी तो फिलहाल खाते हैं फटाफट और सोते हैं। तो गाइस डिनर कर लेते हैं अभी। तो गाइस देखो मैं ऊपर में बैठा हुआ हूँ, थर्ड जो रहता है ना फ्लोर, थर्ड तीसरा, सो उसमें यार नीचे सोया था तो बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं ऊपर आ गया और ऊपर से मैंने ये कंबल लिया हुआ। और आज देखो ये डिनर में तो मम्मा ने ये बनाया, पराठे हैं, पनीर की सब्जी है, एंड ये क्या है, ये भिंडी की सब्जी है, तीन थोड़ा बनाया, ये पराठे, अचार, भिंडी की सब्जी, पनीर या आज तो यही है। वैसे क्या पैंट्री से लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि घर वाले यार घर का ही खाना खाते हैं, सो घर का ही खाना प्रिफर्ड करता हूँ। सो यही आज का डिनर है, तो फटाफट से खाते हैं और उसके बाद गाइस चलते थोड़ा बहुत वीडियो देखे सोते हैं। अभी व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा गाइस, थक गया हूँ, तो थोड़ा बहुत वीडियोज़ देखे सो दूँगा, कल कंटिन्यू करेंगे। सो यही था आज का, बताया यही था आज का पूरा दिन, कल का अब व्लॉग को कल कंटिन्यू करते हुए कल का दिखाऊंगा सुबह क्या क्या होता है, कैसे सुबह कितने बजे उठता हूँ, देखो नींद कितने बजे खुलती है, ट्रेन में कोई भरोसा नहीं है कितने बजे नींद खुलेगी, जितना बजे नींद खुलेगी तो ना व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा फिर से। गुड मॉर्निंग गाइस, जस्ट उठा मैं, अभी बज रहे हैं गाइस 10। सो कल रात को जल्दी सो गया था, मैंने बताया मूवी देखी, मूवी कौन सी देखी मैंने, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू देख के मैं सो गया था, और अभी जस्ट उठ रहा हूँ, मैंने भी नींद के लिए देखो अभी लेटा ही हुआ हूँ, मैं उठा भी नहीं लेटा ही हुआ हूँ, 10:00 हो रहे हैं। चलो फटाफट से उठते हैं, ब्रश करते हैं, अब ब्रेकफास्ट करते हैं, मम्मी पापा तो उठ गए, सब उठ के बैठे हुए हैं, मैं ही सोया हुआ था, अभी जस्ट मैंने चेक किया तो 10 बज रहे हैं। तो चलो उठ के ब्रश करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं। अभी कौन सा भी तो गाड़ी रुकी हुई पता नहीं, कोई स्टेशन पर नहीं ऐसी रुकी हुई है यार, ये गाड़ी बहुत रुलाती है,
तो सो के ही सफर पार करो, बाकी आपको अभी सुबह हो गया तो उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस सुबह हो गई है, अभी जाकर ब्रश कर रहा हूँ मैं, स्टेशन पे रुकी हुई है ट्रेन, सो फटाफट से ब्रश करते हैं, उसके बाद आपका आज का सीन कंटिन्यू करूँगा। ये स्टेशन पे रुकी, पता नहीं कौन सा स्टेशन है यार, यहीं पर रुकी पड़ी है। सो पहले ब्रश करता हूँ, फिर वीडियो ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ, सुबह का ब्रेकफास्ट भी करना, देखो सब ट्रेन जा रही, बस यही रुकी हुई है पता नहीं क्यों। तो गाइस ब्रश तो कर लिया मैंने, सभी करते हैं ब्रेकफास्ट, और देखो अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट में कप ऑफ टी चाय मंगाई अभी जस्ट मैंने, और ये ब्रिटानिया के कुर्ते, ये तो खाता ही होगा इस डेली सुबह में, ये तो नहीं करता, थोड़ा अलग डाइट रहती है मेरी, ओट्स और पीनट बटर और ये सब खाता हूँ, बट आज क्या करूँ ट्रेन में, तो ये और साथ में मम्मा ने दिया है हमें ये, देख लो पता नहीं क्या है, मुड़कू, क्या है मुड़कू और निमकी, नमकीन और मुड़कू करके कुछ। तो यही है सुबह का ब्रेकफास्ट, हैवी हैवी नहीं खाते, पराठा वराठा नहीं खा रहे का मतलब, कम बना के कहाँ से लाते पराठा, इसलिए चाय बिस्किट और ये मूड को ना। चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ रुकेगी ट्रेन, अभी तो फिलहाल चल रही है, बट लेट्स सी। Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the रहे हैं और मैं फिर से व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, पर गाइस मैं तो नीचे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं यही बैठा मतलब बैठा हुआ हूँ अंदर आराम से, नीचे जाने का मन ही कर रहा, थोड़ा बहुत उतरता हूँ कोई कोई स्टेशन पे, जैसे ज़्यादा देर रुक के तो उतर के स्टेशन पे रुकता हूँ। अभी गाइस जस्ट अलाहाबाद पार हुआ, इससे पहले गंगा नदी आई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरे वीडियो, मतलब जैसे वीडियो में अभी गंगा नदी का पूरा मैंने सीन दिखाया, कैसे पीछे म्यूजिक लगा गया, तो वो थी गंगा नदी गाइस। उसके बाद अभी इलाहाबाद आया, तो इलाहाबाद में हमने थोड़ा बहुत फूड स्टफ लिया, जैसे पूड़ी छोले और चावल ले लिए थे हमने वहाँ इलाहाबाद स्टेशन से, और अभी मैंने जस्ट वो लंच में खा लिया, और ऐसे कुछ बड़े चिप्स खाते जा रहे हो तो पेट भरा पड़ा है, तो लंच में तो वही खाया हुआ इलाहाबाद स्टेशन से लेके, तो उसका शायद भूला बनाना भूल गया, वहीं से ले लिया था और वहीं से खा लिया था। अभी अराउंड 2 बज रहे हैं अभी देखो, और अभी तो फिर नींद आ रही है, मतलब मैं यार पूरा ट्रेन का सफ़र सो के ही पार करता हूँ, क्योंकि क्या करूँ यार लिटरली, देखो पेरेंट्स के साथ जाता अलग, फ्रेंड्स की बात अलग होती है, दोस्तों के साथ जाओ तो मस्ती होती रहती है, कुछ खेल लेते हैं मतलब कुछ भी कर देते हैं या मस्ती करते हो जाते हैं, बट पेरेंट्स है तो उनका यार क्या, तो मोबाइल भी चलाने का सोचता, तो मोबाइल में नेटवर्क आता नहीं है तो इसको यूज़ नहीं कर पाता, तो सबसे बैठा ही वो अभी फिर ऊपर में बैठा हुआ, थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ करूँगा, जैसे नेटवर्क आया था मैंने थोड़ी बहुत वीडियो सेव कर ली थी, जो कि है भाई मेरे मतलब जो कि मैं जिसकी वीडियो देख रहा था, ज़्यादा करके मैं जेट प्रभ जो था जे एस फिल्म भाई की देखता रहता था, तो वही गोवा सीरीज कर रहे हैं तो उनकी वीडियोस देख रहा था, और फिर मैंने थोड़ी बहुत गेम खेली बस, और क्या अभी फिर कंटिन्यू करते हैं गाइस, अब सीधा मिलता है शाम को। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और अभी ये ट्रेन रुकी है कानपुर स्टेशन पे गाइस, कानपुर ये वो कानपुर का स्टेशन, कानपुर स्टेशन पे रुकी है अभी, अराउंड 10 मिनट्स तक शायद रुकती है यहाँ पे, यहाँ पे खाने वाने का अवेलेबल रहता है, शायद मैं पानी भी थोड़ा भर लिया नॉर्मल पानी, क्योंकि ख़त्म हो गया था जो घर से लेके आए थे। तो ये है गाइस कानपुर का स्टेशन, अभी 5:30 हो रहे, 5:45 हो रहे हैं, ये कानपुर पे रुकी हुई है हमारी ट्रेन, अभी देखो आगे और जाएगी, रात में आएगा दिल्ली, उसके बाद कल दोपहर या शाम तक पहुँच जाएंगे हम अपने स्टेशन बटाला। यहाँ से हमने भर लिया पानी, वो देखो वहाँ वो वाला फ्रेश वाटर मिलता है गाइस, बाकी सब तो यहाँ पे वही खारा टाइप पानी है, वहाँ पे आपका थोड़ा अमाउंट लेते हैं 9 to 10 rupees लेते हैं और सब भर के देते हैं, तो अराउंड 10 to 20 minutes वेट करेगी, बट हम लोग का यार जो ब्लॉक है वो S10 है, जिसके वजह से अराउंड
हमें मतलब बीच में नहीं रुक रही है, स्टेशन के बीच में रुके तो कम से कम थोड़े बहुत शॉप आ जाते हैं जहाँ पे हम थोड़ा शॉप में रुक के कुछ परचेज कर लेते हैं। बट यहाँ पे अभी शॉप तो में तो मतलब आगे तक जाना होगा, सो नेक्स्ट स्टेशन का वेट करते हैं, कहीं और परचेज कर लेंगे कुछ खाने पीने का। तो चलो गाइस तब तक के लिए तो यही है, अब देखते हैं रात में अगर जागा रहा तो शायद मैं दिल्ली का स्टेशन भी दिखा दूँ। दिल्ली ऑलमोस्ट आपकी रात में 1-2 बजे तक पहुँचेगी, सो अगर 1-2 बजे तक पहुँचती अगर मैं जगा रहा हूँ तो ज़रूर दिखा दूँगा, बट अगर नींद आ गई तो सॉरी गाइस। चलो वेट करते हैं। आपको पता नहीं जैसे मैंने आपको दिखाया कि अभी मैं यहाँ पे था ना कानपुर रेलवे स्टेशन में, मैं जैसे आया मैंने खिड़की में ट्रेन चलने लगी थी आस्ते आस्ते, मैं खिड़की पे सो रहा, मतलब खिड़की पे मैंने ऐसे कान पे हेडफोन लगाए, मैं मतलब फ़ोन यूज़ कर रहा था। सो पता गाइस क्या हुआ कि जैसे मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा था ना तो अचानक से मतलब पुलिस वाले बंदे आए, उन्होंने मुझे मना कर दिया वहाँ फ़ोन करने, मतलब फ़ोन यूज़ करने। मैंने पूछा क्यों, तो बोलते कि खिड़की से बहुत बंदे फ़ोन छीनते हैं। सो गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था और मैं मतलब मेरा फ़ोन उन्होंने मतलब आके पुलिस वालों ने मुझे वॉर्न किया, वो जस्ट मेरे सीट के बगल में, उन्होंने वॉर्न किया कि बाबू फ़ोन यूज़ मत करो खिड़की के सामने। और कुछ देर बाद गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना उन मतलब जो फ़ोन छीनते हैं उनकी वीडियो बनाऊँ। तो गाइस जैसे वीडियो बना रहा यार सही में लिटरली मतलब 9 से 10 बंदे वहाँ पे खड़े थे फ़ोन छीने का, जैसे मैं फ़ोटो ऐसे करके बनाने वाला था मतलब सही में आ गया यार थे। सो मैं डर गया यार कि फ़ोन उन छीन लेंगे, सो इसलिए मैंने फिर वीडियो शूट नहीं की। तो मतलब पापा ने मना भी कर दिया था यार कैसे शूट करता, सामने बंदे मेरे खड़े और वो लोग कोशिश कर रहे भाई 8 से 9 बंदे, और ऊपर से रात था मतलब अंधेरा हो ही चुका था। सोचो मतलब क्या बताओ यार कैसे कैसे बंदे, यार ऐसे मत किया करो किसी कोई भी फ़ोन करेगा आप लोग तो छीन के चल जाओगे। मैंने देखा यार 10 से 9 बंदे रेल ट्रैक पे खड़े थे, जैसे पास हो रही थी कोशिश कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे छीनने का। सो इसलिए पुलिस वाले ने मतलब वो सारी जितनी बोगीज है मतलब जितने कंपार्टमेंट है एसी को छोड़ के जितने कंपार्टमेंट सबको जाके वॉर्न कर रहे थे पुलिस वाले की कोई भी गेट पे या फिर मोबाइल मतलब खिड़की के सामने मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करने। तो इसलिए गाइस बड़ी मुश्किल से मतलब मेरा मतलब अगर मुझे ध्यान नहीं रहता तो क्या पता आज मेरा फोन मोबाइल छीन गया होता मेरे साथ, क्योंकि गाइस मैं ऐसे करके गाने सुन रहा था और मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा था एकदम क्लोज टू द खिड़की है, कोई भी आके छीन सकता था। बट या उन्हें बचा लिया भाई, थैंक ऑफ टू द पुलिसमैन जो भाई इतनी मेहनत से मतलब हर बोगी पे सबको वॉर्न करते हुए जा रहे थे। अभी बज रहे हैं अराउंड 10 और आज शायद लास्ट डे है, ये मेरा लास्ट नाइट है ये ट्रेन पे, मतलब कल सुबह या शाम तक मैं आराम सुबह या दोपहर तक मैं अपने पंजाब पहुँच ही जाऊँगा स्टेशन पे। तो आज का बता देता हूँ गाइस कि आज हमने मतलब अब घर का खाना तो यार ख़त्म हो गया था, अब क्या करें कुछ कर नहीं सकते थे, घर का खाना मतलब ख़राब भी हो गया था, पराठे थे सो 1-2 पराठे थे वो ख़राब हो गए, मतलब और सब कुछ रह भी नहीं गया था कुछ था नहीं। सो अब क्या कहते सो हमने पैंट्री से खाना मंगाया और मतलब स्टेशन पे रुक के पापा ने पूड़ी और छोले भी ले लिए थे। सो ये रहा गाइस आज का डिनर, आज का पैंट्री का था गाइस। 2 दिन तक मतलब 1 दिन तक तो आपका खाना घर से आप जो लेकर आते हो वो चल जाता है, जैसे मैं बैठा था 5th को, सो 5th को मैंने खाया था खाना रात में, वो ठीक था, सुबह में मैंने खाया मतलब मैं नॉर्मल खाया दोपहर में ठीक था, बट रात में वो मतलब ख़राब हो गया। सो अभी जो मैंने पैंट्री से मंगाया ये देखो, ये खाना है पैंट्री का, जो चावल है गाइस मैं मतलब ये चावल है, दाल है, सोयाबीन की सब्ज़ी है, एक पराठा मतलब एक रोटी और एक छोले और ये पूड़ी है। सो ये पैंट्री वालों ने मतलब दिया, आज हमने पैंट्री से खाना मंगाया। सो ये था डिनर गाइस, मतलब क्या बताओ यार 3 दिन का सफ़र है, सही में अक जाते हैं हम लोग गाइस, बोर हो जाते हैं, मैं तो क्या बोलूँ यार पूरा बोर हो जाता हूँ यार बैठे, बट क्या करें अब जाना है तो करना पड़ेगा ही। सो इसलिए ये खाना मैंने आपको बता दिया, ये पैंट्री से मिलता है, मतलब ये रेलवे की पैंट्री से मिलता है। यहाँ सीधा गाइस आज रात में नहीं, अब सीधा कंटिन्यू करूँगा कल जब हम पहुँच जाएंगे पंजाब, वहाँ पहुँच के फिर घर जाके आज ये ब्लॉग ख़त्म होगा। तो अभी यार आज तो एंड करते हैं यहाँ पे और कल सुबह आपको सीधा पंजाब के फिर सीन दिखाऊंगा जैसे हम पंजाब पहुँचेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हो गया है 3rd डे और गाइस अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं अमृतसर स्टेशन। मैं उठ तो पहले गया था गाइस, मैं अराउंड हम लोग अराउंड 5 o'clock एंटर कर गए थे पंजाब रीजन, पंजाब में फाइनली एंटर कर गए थे, 7 o'clock लुधियाना साइड पहुँचे थे, अभी शायद 12 o'clock मैं लुधियाना नहीं सिर्फ मतलब 8 कुछ कर पहुँच गए तो उससे पहले, और अभी अभी बज रहे हैं गाइस 12 और हम अभी पहुँचे हैं अमृतसर।
गैस मतलब पहुंचे नहीं अभी, जस्ट पीछे स्टेशन है बस आने वाला है, तो चलो अमृतसर स्टेशन दिखा देता हूँ। बट वहाँ मैं नहीं रुकने वाला, हम सीधा जाने वाले हैं अमृतसर से आगे बटाला। हमारा स्टेशन है बटाला, जो कि मतलब मेरी बुआ जा रहती है वहाँ पे, हम स्टे करने वाले बटाला में। सो उसका स्टेशन हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अमृतसर का रेलवे स्टेशन। ये अमृतसर का स्टॉप में मतलब स्टेशन, ये तो मतलब मेन वाला ही है। हाँ ये अमृतसर देख लो पीछे, कुछ ऐसा है अमृतसर का स्टेशन। और ये हमारी कार अब यहाँ से गई जाएगी बटाला, उसके बाद जम्मू। तो ये आप देख लो पीछे, ये अमृतसर का स्टेशन है। अभी अराउंड 15 मिनट रुकेगी, 15 मिनट रुकने के बाद फिर सीधा ये बटाला जाएगी, बटाले के बाद आगे और जाती है जम्मू, बट हम रुक जाएंगे बटाले तक। गाइज हमारा स्टेशन बस आने वाला है, सो इसलिए हमने लगेज फटाफट से निकाल लिया, और लगेज बहुत ज़्यादा ही है। सो इसलिए गाइज उतरने में जस्ट वाइज 120 सेकेंड्स के लिए ये ट्रेन रुकने वाली है बटाला स्टेशन पे, अराउंड 2 मिनट रुकेगी। सो और लगेज बहुत ज़्यादा है, सो गाइज फटाफट से पहले लगेज उतारता हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। सो इसलिए अभी दिखाऊंगा सीधा आपको बटाले स्टेशन पे, मतलब तुरंत अभी आने ही वाला है, तो सीधा वहीं जाके दिखाऊंगा। पहले लगेज उठा लो, क्योंकि बहुत लगेज खाली 2 मिनट के लिए रुकेगी, तो लगेज उतार के फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बटाला। ट्रेन उस तरफ लगी थी गाइस, ये देखो ये लोकल ट्रेन थी तो उस तरफ, सो बहुत मुश्किल से क्रॉस करके आए, तो इसलिए वीडियो बीच में बना नहीं, और सांस भी चढ़ रही है। सामान बहुत सारा सामान मैंने लोड के मतलब लेके आ रहा था। तो यही है गाइस, देख लो बटाला स्टेशन, यहीं पे हम रुके हैं। अब ब्लॉग कंटिन्यू करते आगे जाके, कोई गाड़ी देख के सीधा घर पहुँचते हैं। वही था रेलवे स्टेशन, अब हमने ये बुक कर लिया, एक वैन टाइप की बुक कर ली, बिकॉज वहाँ कार्स तो थी नहीं, और ओला यहाँ रेयर केस में चलती है, सो हमने ये और ऑटो बुक करा दिया। चलो देखो आप यहाँ आके थोड़े वो अभी स्टेशन के, यहाँ गए ज़्यादा करी रिक्शा और ऐसे टाइप के छोटे हाथी टाइप चलते हैं, जो भी ऑटोज वगैरह से। सो चलो दिखाता हूँ आपको बटाला शहर। प्लेस अब फटाफट से बैगो सब उतारता हूँ, घर में चलता हूँ, घर जाके गाइस ब्लॉग को एंड कर दूंगा, बहुत थक गया हूँ तो फटाफट जाके ब्लॉग को एंड करूँगा। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए मेरी बुआ के घर, ये रहा मेरी बुआ के घर। तो गाइस ब्लॉग एंड करते हैं, मैं बुआ से मिला देता हूँ। ये रही मेरी बुआ जिनके हम घर आए हैं, ये मेरा ब्लॉग है बुआ यूट्यूब से। सो यहीं पर अब रुकते हैं, तो टिल देन बाय बाय गाइस, थक गया हूँ। सो ब्लॉग एंड करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।